प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आप ही के अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। दोस्तों, ये वाव स्किन साइंसेस के दो गिफ्ट पैक हैं। ये डील मैंने शेयर करी थी कम्युनिटी टैब पर कुछ दिन पहले। ये मेरे पास आ गए थे और मैं वेट कर रहा था कि मैं आपके साथ ही इनको अनबॉक्स करूंगा। तो देखिए, ये जो ब्लू में है ये है फॉर मेन। ये चार 20 ml की फ्रेग्रेंसेज हैं। इस पैक की कीमत है 999 rupees और ये बहुत ही आकर्षक डील में 399 rupees का मिल रहा था। तो मैं सबसे पहले इसी को खरीदा था। ये मैंने अमेजोन से खरीदा है और जब मैं खरीदने लगा तो उसने मेरे को ये वाला बॉक्स भी दिखाया फॉर वुमेन गिफ्ट। इसमें भी चार 20 ml की फ्रेग्रेंसेज हैं। इसकी भी कीमत जो है 999 rupees है और अगर आप इसको भी खरीदते तो 399 rupees में ये मिला था। दोस्तों, एक बिल भी दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए। तो कई बार लोग मेरे को कहते हैं कि आपको गिफ्ट में मिलती है परफ्यूम जो आप खरीदते हैं, तो ये बिल प्रूफ है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कुछ स्ट्रिप्स हैं, ये मेरे पास मेरे हथियार हैं इनको अनबॉक्स करने के लिए। और मैं अपने साथ कॉफ़ी रखी है, रिव्यू में काम आएगी। जो ऑल फैक्ट्री फटीक होता है, जिसको कहते हैं नोज ब्लॉक हो गया, तो वो नहीं होगा इस बार। ये देखिए दोस्तों, ये है वो बॉक्सेस। और इसमें जो कमाल की चीज है वो ये है कि इन्होंने अपनी टैगलाइन तो दी है परफ्यूम की, साथ में इन्होंने हर परफ्यूम के जो टॉप हार्ट और बेस नोट हैं वो दे रखे हैं। और देखिए, ये लग्जरी परफ्यूम फॉर हिम। इन्होंने एक्सोटिक फ्लोरल वुडी अर्दी नोट्स वाली फ्रेग्रेंसेस बोली हैं दैट कैन बी वोन एवरीवेयर, कैप्टिवेटिंग लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस। इसमें देखिए एक खास बात है, वाव स्किन साइंसेस जो है वो काफी स्किन फ्रेंडली परफ्यूम्स और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं करते। बात करें ये जो फॉर वुमेन है, इसमें जो है देखिए, इनकी जो फ्रेग्रेंसेज हैं उसमें एक्सोटिक फ्लोरल वुडी और अर्दी नोट्स वाली फ्रेग्रेंसेज हैं। अगेन वही कैप्टिवेटिंग लॉन्ग लास्टिंग दैट यू विल श्योरली फॉल इन लव विद। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे जो फ्रेग्रेंसेज दे रखी हैं इसका एक डिस्क्रिप्शन है और इसमें नोट प्रोफाइल भी प्रोवाइड कर रखी है। आइए इसको ओपन करें, आई होप ये मैग्नेटिक हो। वो ब्यूटीफुल, ये देखिए, ये बीच वॉक है, ये अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स जो है वो ऊद बेस्ड है, अगर आप देख पा रहे हैं। तो जो बीच वॉक है उसका कलर ही ब्लू है, तो ये एक्वाटिक है। तंजोर ट्वाइलाइट्स, ये वुडी है। और दार्जिलिंग ड्यू जो है दोस्तों, ये है फ्लोरल। ये है फॉर विमेन। वाओ, बहुत ही प्यारी प्रेजेंटेशन है। ये देखिए, ये है गोल्डन सैंड्स। और देखिए, ये ऊद बेस्ड है। ओशियनिक वेव्स, अगेन एक्वाटिक। डून देवदार, और ये है एरोमेटिक। और गुलमर्ग मिस्ट फाइनली जो है अर्दी। तो ये एक एक करके इनको निकालते हैं। आइए अब इनको स्मेल करके देखें। इन दोनों पैक्स में ऊद और एक्वा कैटेगरी की परफ्यूम्स हैं। इनको आपस में स्मेल करके देखते हैं कि कौन सी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस बेटर है। ये देखिए, ये है अरेबियन नाइट्स और ये है गोल्डन सैंड्स। अरेबियन नाइट्स फॉर वुमेन ओदे पफा और गोल्डन सैंड्स फॉर मेन ओदे पफा। ये दोनों ऊद कैटेगरी की हैं। दोस्तों, मैंने पटेल नेक की अरेबियन नाइट्स का जब रिव्यू किया था तो मैंने कहा था कि काश इसमें कुछ मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस होती। आइए देखें कि इसमें क्या वो मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस मिलती हैं। दोस्तों, इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से कहूं तो दोनों काफी स्मेल अलाइक फील हो रही हैं। अगर ये ना बताते कि कौन सी वाली फॉर वुमेन है या कौन सी वाली फॉर मेन है, या इनफैक्ट लेबल भी नहीं लगाते, तो मैं नहीं बता पाता कि कौन सी है। अगेन, ये इनिशियल इंप्रेशन है, तो मे बी इनके जब नोट्स मेच्योरिटी होगी, नोट्स की ड्राई डाउन होंगी, तो उसमें शायद कोई फ्रेग्रेंस में बदलाव आए। यहाँ पर दोनों में ऊद के साथ साथ आपको रोज फ्लोरल नोट्स मिलते हैं और साथ ही में थोड़ी कड़वाहट भी मिलती है, थोड़े लेदरी नोट्स फील होते हैं जैसे सैफरन। लेकिन दोस्तों, ये उतनी कड़वाहट नहीं है जैसे कि बॉम्बे शेविंग कंपनी की बेलेनो में थी। इसमें जो कड़वाहट है उसको मैनेज किया गया। अगेन, जैसे ला फ्रेंच में जो मिलिट्री एडिशन में रेजिस्ट फ्रेग्रेंस थी, उसमें भी वो केसर का नोट था जो कि उसको थोड़ा लेदरी टफनेस दे रहा था, और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी जो लेदरी चार्म है उसको मैनेज किया गया। अब दोस्तों, बात करते हैं बीच वॉक फॉर वुमेन और ओशियनिक वेव्स फॉर मेन। ये दोनों एक्वा कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। ओह वाह,
दोस्तों ओशियनिक वेव्स काफी प्लीजिंग फ्रेग्रेंस लग रही है, इसमें आपको सिट्रसी स्वीट फ्लोरल स्पाइसी फ्रेग्रेंस का ब्लेंड फील हो रहा है, ऑलमोस्ट एन इवनिंग बाय द बीच वाली फील आ रही है। ऐसी फ्रेग्रेंसेस आपने स्मेल कर रखी होंगी, काफी प्लीजिंग है, काफी अच्छी लग रही है। बीच वॉक जो है थोड़ी सी कड़वी सी है, ये मुझे लगता है ये वैसी फ्रेग्रेंस है जिसका आप इनिशियल इंप्रेशन में नहीं समझ पाओगे कि कौन से नोट्स फील हो रहे हैं आपको। इसमें थोड़े से क्रश्ड फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस है, ये कैसे एग्जैक्टली बीच वेव टाइप की फ्रेग्रेंस है, बीच वॉक ये एक्वाटिक कैसे है, और ऊपर से दोस्तों ये फॉर वेमेन कैसे है, अगेन जैसे मैंने कहा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये इनिशियल इंप्रेशन में ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कैसी है। ये मैं बोल सकता हूँ जरूर कि ये जो फ्रेग्रेंस है ये एक मेच्योर एज वाइज जो वेमेन है उनके लिए ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली फन लविंग नहीं लग रही, थोड़ी सी ये मेहनत करने वाली फ्रेग्रेंस है, समझना पड़ेगा इसको, इनिशियली ये शायद आपको अच्छी ना लगे। अब दोस्तों बात करते हैं बाकी चारों फ्रेग्रेंसेस की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तंजोर ट्वाइलाइट फॉर वुमेन, ये वुडी कैटेगरी को बिलोंग करती है, उदय पफा 20 ml। एटमाइजर इन सबका बहुत अच्छा है, स्प्रे अच्छा है, थ्रो अच्छा करते हैं। वाह दोस्तों, इसमें आपको ओपनिंग इसकी हल्की सी सिट्रसी सी मिलती है, इसमें आपको लैवेंडर फ्लावर की ओपनिंग मिलती है, इसमें स्वीट फ्लोरल बुके जैसी फ्रेग्रेंस है, थोड़ी पाउडरी फील है लेकिन वेरी वुमनली, वेरी प्रीमियम एंड वेरी वेरी वुमनली फ्रेग्रेंस तंजोर ट्वाइलाइट। नेक्स्ट आती है दार्जिलिंग ड्यू, अरे वाह इसने तो मुझे जैसे ट्रांसपोर्ट कर दिया नॉस्टैल्जिया में, ये मुझे याद दिला दिया फैब इंडिया के गुलाब इत्र की, बहुत पुरानी बात है मेरी एक बहुत अच्छी याद उससे जुड़ी हुई है। ये ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे कि वही इत्र को किसी ने परफ्यूम बना दियो, स्ट्रांग है, वेरी इंटॉक्सिकेटिंग, वेरी स्वीट। अगर आपको गुलाब पसंद है, किसको नहीं पसंद, लेकिन अगर आपको गुलाब पसंद है तो ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। अगेन मेरे हिसाब से ये यूनिसेक्स होनी चाहिए क्योंकि मैं तो इसको लगाऊंगा जरूर। इसके बाद डबल डी दार्जिलिंग ड्यू के बाद बात करते हैं डबल डी डून देवदार की। दोस्तों ये एरोमेटिक कैटेगरी को बिलोंग करती है, उदय पफा फॉर मेन। वाओ दोस्तों ये चीख चीख कर ग्रीन लाइम का नोट बता दिए, साथ ही में इसमें थोड़े हल्के हल्के स्पाइसी स्वीट नोट हैं। ये अगर ड्राई डाउन में अच्छा बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस बन जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज। कुछ कुछ ये मुझे याद दिला दी मैन कंपनी के सिट्रॉन की, कुछ कुछ इसमें और भी काफी सारे नोट्स हैं और मेरे को काफी अच्छी लग रही है। और दोस्तों लास्ट आती है गुलमर्ग मिस्ट, और आइए देखें इसमें क्या आपको मिलता है। दोस्तों ये जो गुलमर्ग मिस्ट है ये अर्दी कैटेगरी को बिलोंग करती है, उदय पफा है ये। दोस्तों इसमें थोड़े से वार्म कड़वे लेदरी नोट्स का ब्लेंड फील होता है, फ्रेश नोट्स मेरे को इतने आ नहीं रहे, थोड़े स्पाइसी हिंट्स हैं इसमें। ये स्टार्टिंग से ही दोस्तों एक मैच्योर ऑडियंस के लिए लग रही है, उनको ज्यादा सूट करेगी, एज अगेन 30 एंड अबव। इसमें एक मैच्योरिटी है, एक सीरियसनेस छुपी हुई है, ये अच्छी लग रही है, लेकिन जैसे मैंने बताया थोड़ी मैच्योर टाइप की फ्रेग्रेंस लग रही है। दोस्तों ये था ये इनिशियल इंप्रेशन इन सभी फ्रेग्रेंसेस का, जब मैं इनको यूज करूंगा तो मुझे ठीक से पता चलेगा कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, लॉन्जिविटी कैसी आती है, प्रोजेक्शन कैसा है। आप मुझे बताएं कि आपने इनमें से कोई परफ्यूम यूज करी है, आप अपने व्यूज मुझे बताएं। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू और अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।